अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट की क्लास बनाते हैं और प्राइवेट के अंदर हमारे पास आ गया इंट डाटा, और प्राइवेट के अंदर हमने नोट टाइप का एक रेफरेंस रखवा लिया नेक्स्ट के नाम से, और फिर पब्लिक के अंदर हमने जो है वो क्या किया, सबसे पहले हम इसके सेटर फंक्शंस लिखते हैं, वॉइड सेट इंट, सॉरी सेट डाटा, और इसमें आ गया इंट डाटा, और इधर हम अगर कंडीशन लगाना चाहें, हम चाहते हैं कि हमारी जो लिंक लिस्ट बन रही है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ डाटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तब आप क्या करो, दिस ऑफ डाटा इक्वल्स टू डाटा के इक्वल कर दो, अदरवाइज ये जो आपके पास डाटा का एट्रीब्यूट है हम उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू रखवा देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया पब्लिक वॉइड सेट नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर हमारे पास नोड टाइप का नेक्स्ट आ गया, और इसको हम सिंपली नेक्स्ट को इक्वल कर देंगे नेक्स्ट के, और उसके अलावा फिर हमारे पास आ गया पब्लिक इंट गेट डाटा, और यहाँ पे सिंपली हमने रिटर्न डाटा कर दिया, और फिर आके हमारे पास पब्लिक नोड गेट नोड गेट नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया नेक्स्ट पार्ट। अब ऊपर हम दो कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, इसमें पब्लिक नोड इंट डाटा, और यहाँ पे आ गया सेट डाटा के अंदर डाटा आ गया, और सेट नेक्स्ट के अंदर हमने इनिशियली नल रखवा दिया। अच्छा जी, अब हम दूसरे वाला भी कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, विच विल कंटेन द नेक्स्ट पार्ट, और सिंपली हमारा सेट नेक्स्ट की जो नल आ रहा है उसकी जगह पे नेक्स्ट आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हमारे पास ये जो क्लास है ये नोड की बन गई।